पुलिसिया कार्रवाई से बचने के लिए शराब तस्कर तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इनकी बानगी चंदौली में देखने को मिली। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध शराब लेकर जा रहे हैं, तभी पुलिस को एक वाहन जाता दिखा, जिसके बाद पुलिस ने वाहन की चेकिंग की और इस दौरान शराब तस्करी का खुलासा हो गया। पुलिस ने वाहन से करीब 2 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद की और 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। शराब की तस्करी को देख पुलिस भी दंग रह गई। तस्करों ने शराब की बोतलों को वाहन की छत और निचले हिस्से में चेचिस के पास छुपाया था। बकायदा आरोपियों ने वाहन ने एक कैबिन बना रखा था जिसमें शराब की बोतलें छिपा रखी थी। इस अनोखे तरीके का पर्दाफाश करते हुआ यहां पर हर कोई दंग रह गया। आपको बता दें कि तस्कर शराब को बिहार ले जाने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। 2 लड़के हैं, ये मोनू जो कि पानीपत हरियाणा का रहने वाला है और नरेंद्र जो कि नेपाल का निवासी है। ये लोग गाड़ी लेके आ रहे थे, बिहार की तरफ जा रहे थे और इसमें से करीब कुछ इंडियन मेड फॉरेन लिकर है, कुछ इंडियन लिकर है और ये 2 लाख की कीमत की शराब लेके इस तरीके से बिहार की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। 2 चैम्बर से बने हुए थे, एक छत की तरफ जो है ऊपर स्लॉट कट के वो चैम्बर बना रखा था जिसको उन्होंने क्या कितने जिसमें ताला वगैरह भी ऐड कर दिया था सेफ की तरह, और इसी प्रकार का सेफ इन्होंने क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म में चेसी की तरफ बना रखा था।